हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में। शानदार तेजी पिछले दो दिनों में इसने दिखाई है, जबकि उससे पहले भैया भयंकर तरीके से गिरा भी था। अगर आप देखोगे तो दो ही ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपये से 127 रुपये का लेवल इसने छुआ है, बेहतरीन रफ्तार आई है। जबकि बाजारों में गिरावट थी पिछले दो दिनों में हमने देखा, लेकिन यहाँ पर तेजी थी शॉर्ट, वो भी शानदार तेजी थी। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब देखो काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाने वाला शेयर ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ गिरावट भी उतनी ही बड़ी दिखाई थी बीच में इसने। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 127 रुपये का, एक महीने में 5.5% की तेज़ी है। जो गिरावट आई थी वो रिकवर हुई ज़रूर है, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा रिकवर नहीं हुई है। हालांकि एक साल में 310% का ग्रोथ ज़रूर है, शानदार तेज़ी आई थी। जो हाईएस्ट लेवल था इसका जो वो 150 रुपये का था, लेकिन एक्चुअली में जो इंट्राडे में इसने लेवल छुआ था वो 175-170 रुपये के करीब का था। वहाँ से जैसे ही इनके क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए, एक ही झटके में 108 पे आ गया था ये। फिर तेज़ी दिखाई, फिर कुछ टाइम इसने 120-125 रुपये के रेंज में बिताया, फिर वापस जब बाजार में बहुत बड़ा पेन आया था एक झटके में ये 100 रुपये पर आ गया था। लेकिन दो ही दिनों में रिकवरी वापस इसने दिखाई ज़रूर है, और अभी 127 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अभी जिस लेवल के आसपास पर है, कहीं ना कहीं वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी जब यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, अगर आप देखो यहाँ पर गिरकर 108 पे गया था, और जब तेज़ी दिखाई थी इसने 127 रुपये के करीब ही पहुँचा था, वहाँ से कुछ टाइम बिताने के बाद गिरावट आई थी। इस बार देखते हैं कि ये जो लेवल है इसको ये सक्सेसफुली मैनेज कर भी पाते हैं कि नहीं, या फिर वापस से गिरावट आती है। और जाहिर सी बात है जब तेज़ी आती है तो वजह भी होती है, और वजह होती है खबर, न्यूज़। और न्यूज़ ही थी भैया जिसने यहाँ पर तेज़ी दिखाने का काम किया। देखो 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है इनको, और इवन इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट रुकी हुई थी उसके पीछे भी वजह थी कि हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही थी कि यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया, वहाँ से वो ऑर्डर मिल गया, और शेयर भागता जा रहा था यहाँ पर। तो एसजेवीएन अगर आप देखोगे तो बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि भैया कंपनी जो है, कंपनी का जो रिन्यूएबल आर्म है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, उसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फ्रॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, वो भी 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। ये जो कॉस्ट होने वाली है वो 2700 करोड़ के आसपास की होने वाली है, एंड द प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप एट GIPCL सोलर पार्क इन खांडवा। और यहाँ पर देखा जाए देखो कंपनी डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो लगातार ये धीरे धीरे एटलीस्ट जो गिरावट थी वो रुक गई थी यहाँ पर उन बढ़ते ऑर्डरों की वजह से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसजेवीएन ने ये बोला भी है कि कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 1.43 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन एंड वुड कंट्रीब्यूट इन GOI मिशन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। द कंपनी इज ऑन अ रैपिड प्रोग्रेस टू अचीव इट्स शेयर्ड विजन टू 25,000 मेगावाट बाई 2013 एंड 50,000 मेगावाट बाई 2014। भैया कंपनी 2030 तक 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी का टारगेट लेके चल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इनके लिए, काफ़ी बड़ी बात है ये। और देखो पावर कंजम्पशन डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, तो जिस जो जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगी वो कंपनी बड़ा पैसा छापेगी। कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी का कई तरीके के बिजनेस है, चाहे वो पावर ट्रेडिंग के हो, चाहे वो थर्मल पावर के हो, हाइड्रो के हो, विंड के हो, सोलार के हो, और पावर ट्रांसमिशन तो है ही यहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी ने अपना जो रिन्यूएबल आर्म है वहाँ पर सोलार और विंड में काफ़ी अग्रेसिव जा रहे हैं, और खास करके सोलार में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जा रहे हो, कई बड़े प्रोजेक्ट कह लो, ऑर्डर कह लो, वो इस कंपनी को पिछले कुछ टाइम में मिलते हुए नज़र भी आए हैं। और वॉल्यूम का तो गेम चल ही रहा है, तकरीबन 12 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए थे यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। और जहाँ तक देखा जाए तो देखो मार्केट कैप इसका तकरीबन 49,000 करोड़ के आसपास का है, और जो हाई है इसका अब तक का ऑल टाइम हाई वो 170 रुपये का है, और 17 रुपये के आसपास का लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड भी पे करती है, और वो अभी अच्छा खासा पे करती है डिविडेंड। इस बार अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 15 पैसे का पे करा है इसने, हालांकि पिछले साल भी फरवरी में 1 रुपये 15 पैसे का ही था, बाद में दोबारा पे किया 62 पैसा पर शेयर का। और देखो साल में दो बार पे करते हैं, और देखो अभी अगर आपको 125 रुपये का ट्रेड करने वाला शेयर अगर 1 रुपये 15 पैसे का पे करे तो कम लगेगा डिविडेंड, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि पिछले साल ये 30 रुपये का शेयर था, और 30 रुपये का शेयर अगर आपको 2 रुपये के आसपास का, 2.25 रुपये के आसपास अगर आपको डिविडेंड पे कर रहा है तो वो छोटा डिविडेंड नहीं होता है।
वो काफ़ी बड़ा डिविडेंड होता है। अभी देखते हैं। और देखो, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी उस तरीके से डिविडेंड में भी तेज़ी आएगी। जी नहीं, डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन डबल ट्रिपल फोर गुना नहीं होने वाला है यहाँ पर। और जहाँ तक बोनस वगैरह की बात करें तो कोई हिस्ट्री नहीं है। और जहाँ तक कंपनी, अगर आप देखो, देखिए पहले रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे थे लेकिन अभी रेवेन्यू अच्छे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम रेवेन्यू की नहीं है, वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो भाई साहब जस्टिफाई नहीं है। 56 का पी है इसका, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है इस कंपनी को लेकर। क्योंकि देखो 56 का पी है इसका, सेक्टर पी 30 का है। अगर आने वाले क्वार्टर में नंबर अच्छे आते तो चलो अच्छा होगा इनके लिए, नहीं आएंगे तो दिक्कत भी होगी इनके लिए। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनांशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो फिनांशियल्स जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो काफ़ी ख़राब थे। जो इनके रेवेन्यू तकरीबन 900 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे वो घट के सीधे 600 पे आ गए। तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आनी थी। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखो तो 140 करोड़ से भी कम में प्रॉफिट निपट गया इनका, जो इससे पहले के क्वार्टर में 440 करोड़ का था और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में एटलीस्ट 288 करोड़ का था। और दूसरी बात यह है कि हर बार इनका जो मार्च क्वार्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप मार्च मतलब 2023 की बात करें तो प्रॉफिट इनका सिर्फ 17 करोड़ का था और रेवेन्यू भी कम हुआ था, 585 करोड़ के आसपास का था। जो जबकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 750 करोड़ का था, उसके बाद के क्वार्टर में भी तकरीबन 750 करोड़ का था और प्रॉफिट भी 200 250 300 करोड़ के आसपास का था। तो कम नंबर्स थे मार्च के। अब आपको लग रहा होगा अब एक ही तो क्वार्टर है, लेकिन नहीं, उससे पहले का भी जो मार्च 2022 का क्वार्टर रहा उसमें भी इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 750 करोड़ का था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू था वो 421 करोड़ का था। तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी कम है, लेकिन अगर मान लो कि इस क्वार्टर में अगर इसने सरप्राइज कर दिया तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर सरप्राइज किया तो। क्योंकि देखो यहाँ पर जब नंबर्स आएंगे तो उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, और पिछले साल के मार्च के नंबर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे ही। तो जाहिर सी बात है अगर इस वाले क्वार्टर में इसने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्टिकल्स की जो हेडलाइन होगी ना वो देखने को मिलेगा, 300% ग्रोथ, 400% ग्रोथ, ऐसे हेडलाइंस वगैरह देखने को मिल सकती है। हालांकि जब आएगा तब की बात तब है, लेकिन अभी अगर जो प्रेजेंट सिनारियो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक ज़रूर है। ये वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है इसका। होल्डिंग को लेकर अगर आप बात करोगे तो 81.85% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है ना वो उन सारी कंपनी में अपना स्टेक बेच रही है जहाँ पर उनके 75% से ज़्यादा की होल्डिंग है, और गवर्नमेंट अपना स्टेक तब बेचेगी जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट दोबारा बेचने के लिए तब आएगी जब 175 रुपये से ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा होगा, तब गवर्नमेंट आएगी यहाँ पर और मतलब 4-4.5% का स्टेक बेचेगी, ठीक है, तो और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। और चांसेस मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद शायद ही हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद या फिर उससे पहले भी गवर्नमेंट को पैसों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं स्टेक रिलीज़ करा जाएगा यहाँ पर। और देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर 4.25% इनके पास म्यूचुअल फंड के पास है, 1.72 डोमेस्टिक के पास है, 1.68 FIIs के पास है, रिटेल और अदर्स यहाँ पर 10.50% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं SJVN को देखूँ तो मुझे कंपनी जो है वो लगता है कि जिस लेवल पर अभी बैठा है ना, एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो 150 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे, अगर नहीं करेगा तो वापस ये जाएगा 110 रुपये की तरफ। और जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हाँ, मुझे अगर 20% का डिक्लाइन आता है उस कंपनी में जो अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर चुकी है तो ऐड करने के मौके बनते हैं। हालांकि बने ज़रूर थे यहाँ पर जब 100 रुपये के करीब का था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ, मैंने तब भी कहा था कि मुझे लगता है कि ये डबल डिजिट पर जाएगा। अगर मेरे पुराने वीडियो अगर आपने देखे हो तो, हालांकि इंट्रा डे में ये गया भी था वहाँ पर, लेकिन वापस रिकवरी भी लौटती हुई नज़र आई थी यहाँ पर। लेकिन मैं अभी इतना ही कहूँगा आपसे कि मैं वेट करूँगा। देखो अगर है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ी आए तो तब यहाँ पर बेचने के मौके ढूंढने चाहिए, और गर्मियों में ही बेचने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि गर्मी वाला जो माहौल होगा उसमें कहीं ना कहीं पावर कंपनी अच्छा खासा प्राइस पर ट्रेड करती नज़र आएगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके नहीं है यहाँ पर, जब गिरावट आएगी और एटलीस्ट जहाँ पर जब ये डबल डिजिट में जाएगा तब ऐड करने के मौके बनेंगे। काफ़ी लोग बोलेंगे कि जी नहीं, भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना जाए, लेकिन तभी ऐड करो जब सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब महंगा मिल रहा हो। वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SJVN लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।